प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर की अगुवाई में हमीरपुर कॉलेज में ज्ञापन सौंपते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रथम वर्ष के छात्रों को हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाए। टोनी ठाकुर ने कहा कि इससे विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोनी ठाकुर ने कहा कि अन्य छात्रों की तरह प्रथम वर्ष के छात्रों को भी हॉस्टल की सुविधा का प्रावधान किया जाए। साथ ही उन्होंने मांग उठाई है कि ऑफलाइन एग्जाम का सिलेबस कम किया जाए। प्रदेश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या है और बहुत से छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में वो छात्र किस तरह से पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द से जल्द छात्र हित में फैसला ले ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर टोनी ठाकुर के अलावा शिवम धीमान, शुभम, सौरभ सिकंदर व विशाल मौजूद रहे। माननीय प्रिंसिपल महोदय जी के माध्यम से HP यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द जो है वो स्टूडेंट हॉस्टल जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और विशेषकर जो ट्राइबल एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो जल्द से जल्द हॉस्टल जो है ओपन किया जाए। देखिए बहुत दिनों से जो है वो 8 फरवरी से कॉलेज जो है वो लग चुके हैं और इतने आज जो है अभी तक जो है जो न्यू ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वो हॉस्टल नहीं खोले गए हैं। तो हमने आज जो है वो प्रशासन से ये मांग की है कि वो जल्द से जल्द स्टूडेंट को हॉस्टल जो है वो आवंटित करें। साथ ही हमने दूसरी जो मांग उठाई है वो जो एग्ज़ाम है, देखिए HPU द्वारा ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने की जो है वो बात कही गई है लेकिन हमने प्रशासन से मांग उठाई है कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने हैं तो जो पूरा सेमेस्टर के अंदर जो सिलेबस है उसको कम किया जाए क्योंकि ऑनलाइन आपको पता है कि बहुत ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर ऑनलाइन सुविधा जो थी या क्लासेस जो थी वहां पर सिग्नल की कमी के कारण या कई और कारणों के जो है वो कम बच्चे जो है वो बहुत कम तरीकों से पढ़ाई कर पाए हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि अगर ऑफलाइन परीक्षाएं लेनी हैं तो जो है उस सिलेबस को जो है वो कम किया जाए। धन्यवाद।